हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम वर्ल्ड क्लाइमेट के अंडर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन की स्टेटमेंट दे रखी है, इन स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद ऑल्टीट्यूड रिजल्ट्स इन लेयरिंग इफेक्ट। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की ही एक लेयर है। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है ना, इस स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में कुछ ज्यादा वेदर फिनोमेना होते नहीं है, लाइक स्टॉर्म्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म्स, ऐसा कुछ भी वेदर फिनोमेना स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में नहीं होता। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ होती है, और जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, लाइट होने की वजह से वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। रीजन की स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दे रखा है, इट क्रिएट्स ए ग्लोबल इन्वर्जन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में इन्वर्जन लेयर है। इन्वर्जन लेयर का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन लेयर का मतलब होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कि हाइट जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन लेयर। अब लेयरिंग इफेक्ट क्या है, लेयरिंग इफेक्ट यही है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है उसमें ज्यादा स्टॉर्म्स वगैरह तो होते नहीं है, इसीलिए जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ होती है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो क्या है, हैवी होती है, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में लेयरिंग इफेक्ट होता है, जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इससे क्या है, इन्वर्जन लेयर बनती है, मतलब हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वर्टिकल कन्वेक्शंस रिड्यूस होती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स है, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। मीजोस्फेयर, आप देखो लेयर्स के बारे में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं पहले की दोनों PDF में ही। तो मीजोस्फेयर की बात करें तो मीजोस्फेयर की जो हाइट है वो कहां से है, 80 किलोमीटर से ऊपर है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, 8 से 16 के बीच में, 8 किलोमीटर पोल्स पे है और इक्वेटर पे है 16 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो 16 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। फिर आती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर की जो लेयर है वो कहां पे है, 50 to 80 किलोमीटर के बीच में। तो 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर की लेयर जो है वो एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो ए वाली स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन हमने क्या बताना है, हमने रॉन्गली मैच्ड के बारे में बताना है। थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर तक होती है, ये भी बिल्कुल सही है, मीजो के ऊपर थर्मोस्फेयर आ जाती है और थर्मोस्फेयर की जो लेयर है वो एक्सटेंड करती है 400 किलोमीटर तक। फिर एक्सोस्फेयर की बात करें तो एक्सोस्फेयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। अब थर्मोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है एक्सोस्फेयर, लेयर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे जो नीचे वाली लेयर है कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर तक होती है, 400 के बाद एक्सोस्फेयर शुरू होती है, और जो एक्सोस्फेयर है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फिर चलती है एक्सोस्फेयर, और उसके बाद ये वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आउटर स्पेस के साथ मिक्सअप हो जाती है। तो सी वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी वाली क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर। ये रही सेकेंड वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर की, जो कि 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है वो 50 किलोमीटर तक ही होती है। तो जो डी वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मोस्फेयर इज आर करेक्ट। थर्मोस्फेयर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। थर्मोस्फेयर की जो लेयर है 400 किलोमीटर तक होती है, ऊपर भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फीयर में हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर
डिक्रीज करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मेसोस्फीयर में फिर से डिक्रीज होता है और थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड के साथ। तो बी वाली स्टेटमेंट सही है, ड्यू टू अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशंस, क्योंकि यहाँ पे जो यूवी रेडिएशंस आती है इस लेयर में वो अब्सॉर्ब होती है कुछ रेडिएशंस, जिसकी वजह से थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट। फिर मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स स्टार्ट टू बर्न अप, बर्न आएगा यहाँ पे बी यू आर एन, बर्न अप अराउंड 110 to 130 किलोमीटर अबव द अर्थ, तो सी वाले स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट असर्शन, एक्सोस्फीयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर की लेयर आती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ग्रेजुअली फेडिंग इनटू इंटरस्टेलर स्पेस, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सोस्फीयर की लेयर है वो एकदम से एक्सोस्फीयर और स्पेस के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, एक्सोस्फीयर की जो लेयर है वो धीरे धीरे स्पेस के साथ मिक्सअप हो जाती है, राइट। रीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफन एस्केप इनटू स्पेस आफ्टर कोलाइडिंग विद वन अनदर इन एक्सोस्फीयर, तो यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्सोस्फीयर में जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लाइड करते हैं तो वो स्पेस में एस्केप हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन यही मॉलिक्यूल्स जब ट्रोपोस्फीयर की लेयर में या लोअर एटमोस्फेयर की जो लेयर्स है वहां पे क्लाइड करते हैं तो वहां पे ये मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं विद इन द एटमोस्फेयर, लेकिन एक्सोस्फीयर की लेयर में जब मॉलिक्यूल्स क्लाइड करते हैं तो वो स्पेस में चले जाते हैं, राइट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन वार्म ब्लैक साइड एंड कूलर व्हाइट साइड causes gases to creep along surface of the veins, this effect is known as, अब देखो warm black side और cooler white side दोनों में का जो temperature है अलग अलग होता है, black का ज्यादा है, cooler white side ठंडी होती है, अब दोनों का जो temperature difference होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं thermal creep। Next, the transfer of energy through matter from particle to पार्टिकल, अब जब पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्शन की अगर हम एग्जाम्पल ले तो एक रॉड है, ठीक है, एक काफी लंबी रॉड है, तो यहाँ पे हमने रॉड को इस साइड से गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोव रखा तो स्टोव को जला दिया और यहाँ से रॉड को हमने गर्म करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या, रॉड इस साइड से गर्म हो रही है लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो रॉड की जो दूसरी साइड है ना ये भी गर्म हो जाएगी। ये क्यों गर्म होती है, कंडक्शन की वजह से, क्योंकि कंडक्शन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, यहाँ पे जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से रॉड की जो दूसरी साइड है वो भी गर्म हो जाएगी, राइट। कन्वेक्शन की बात कर लें तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन की एग्जाम्पल लें तो सपोज स्टोव के ऊपर हमने एक बर्तन रखा है और उस बर्तन में हमने पानी रख दिया, दूध रख दिया, कोई भी लिक्विड चीज जो है रख दी, ठीक है। कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन में बेसिकली सॉलिड्स की बात होती है, ठीक है, यहाँ पे जब सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है ना तो उसको कंडक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन में आ जाती है लिक्विड्स। तो अब स्टोव के ऊपर हमने पानी रख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जला दिया हमने यहाँ पे स्टोव, ठीक है, आग जला दी है, अब इसमें पानी गर्म कैसे होगा, नीचे से पानी यहां से गर्म हो जाएगा और ये गर्म पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो मूव करके फिर से नीचे आएगा, तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट बन जाता है जिससे क्या है, ये पानी पूरे का पूरा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ठीक है, कन्वेक्शन करंट बन रहा है ना कि नीचे का जो गर्म पानी है मूव होकर ऊपर को जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो मूव होकर नीचे को आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और ये यूजली लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें कन्वेक्शन के थ्रू होती है। रेडिएशन की बात कर लें, रेडिएशन सोलर एनर्जी जो अर्थ पे पहुंचती है, अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। और थर्मल एनोमली क्या होता है, थर्मल एनोमली में एवरेज टेम्परेचर चेक किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जुलाई का एवरेज टेम्परेचर, तो जुलाई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अगस्त के एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की बात होती है थर्मल अनोमली में, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, असर्शन, द वार्मर पोर्शन ऑफ वाटर आर लेस डेंस एंड देयरफॉर द राइस, अब वाटर जब गर्म होता है ना, जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर की जो डेंसिटी है वो
कम हो जाती है, मतलब टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो जो डेंसिटी है ना वाटर की वो डिक्रीज होएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो उससे क्या है, उससे वाटर जो है वो राइज करता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, डेंसिटी डिक्रीज होएगी, उससे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा वाटर पे, वाटर राइज कर जाएगा। आपने कभी सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, वो टेम्परेचर पहले से बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो भी बढ़ गया है। सी लेवल क्यों बढ़ा है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर भी तो बढ़ा है ना। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होएगी, तो वाटर राइज होएगा, राइट। रीजन में क्या है, द कूलर पोर्शन ऑफ वाटर फॉल्स बिकॉज दे आर डेंसर। तो रीजन में इन्होंने उल्टा बोल दिया कि पानी अगर ठंडा हो जाएगा तो उससे क्या है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या है, जो वाटर है वो कम, वाटर की डेंसिटी कम होगी तो वाटर का जो लेवल है वो नीचे चले जाएगा। सी लेवल जैसे राइज हुआ टेम्परेचर बढ़ने से, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सी लेवल भी नीचे चला जाएगा, राइट। तो असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी आ जाएगा ऑप्शन, राइट, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट, द प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब देखो, इक्वेटर के पास जो प्लेस होएगी, ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा होएगा, वहां का क्लाइमेट जो होगा थोड़ा वार्म क्लाइमेट होएगा, जल्दी जल्दी वहां पे बारिशें होएगी, क्योंकि इक्वेटर पे ऑलमोस्ट हर आफ्टरनून में बारिश होती ही होती है। तो इक्वेटर के अगर कोई जगह पास होगी तो वहां का क्लाइमेट भी अफेक्ट होएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो पड़ती रहती है, 12 महीने सनलाइट इक्वेटर पे पड़ती ही है, ठीक है। अगर आप डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आ गया इक्वेटर, यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में घूमता रहता है। तो इक्वेटर पे जो अगर हम बात करें तो इक्वेटर पे हमेशा सनलाइट रहती ही रहती है, और जो डे और नाइट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट डे नाइट्स बराबर ही होते हैं इक्वेटर पे। इसीलिए इक्वेटर पे जो क्लाइमेट है, जो भी जगह इक्वेटर के पास होगी वहां का क्लाइमेट अफेक्ट होएगा ही होएगा। रीजन क्या है, इक्वेटर रिसीव्स द मोर सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है अर्थ के बाकी पार्ट्स के कंपैरेटिवली, इसीलिए वहां का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए आ जाएगा इसका आंसर, ए बी सी एंड डी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज वर्टिकल सर्कुलेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंसेस इन डेंसिटी अल्टीमेटली ब्रॉट अबाउट बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मोशन ऑफ हॉट फ्लूइड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब होता क्या है, जो ओशियन वाटर है उसमें दो तरह के करंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो अब ओशियन वाटर की दो तरह की मूवमेंट्स होती है, करंट्स नहीं, करंट्स तो दो तरह की होती है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। लेकिन जो ओशियन वाटर की मूवमेंट होती है ना वो भी दो तरह की होती है, एक तो होती है वर्टिकल सर्कुलेशन होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल सर्कुलेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओशियन करंट्स। जो वर्टिकल सर्कुलेशन होती है वाटर की उसको बोलते हैं ओशियन करंट्स, और जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग, ठीक है। इसमें दो तरह की होती है। अब यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलेशन की बात हो रही है, वर्टिकल सर्कुलेशन में क्या होता है, ओशियन करंट्स की मूवमेंट होती है। ओशियन करंट्स में क्या होता है, अब ओशियन का जो पानी है वो किसी जगह पे गर्म होगा, किसी जगह पे ठंडा होगा, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो ओशियन का पानी है वो मूव करता है, ओशियन करंट्स बनते हैं। तो जो जहां पे गर्म पानी होगा यहाँ पे वार्म वाटर होगा, वो कहाँ पे मूव करेगा, कोल्ड की तरफ, ठीक है। गर्म पानी ठंडे की तरफ मूव करेगा तो उससे क्या है, करंट्स जनरेट होंगे। तो वार्म करंट मूव करेगा आगे, ऊपर से जो पोल से आते हैं वो होते हैं कोल्ड करंट्स। अब ये जो पानी की मूवमेंट है वार्म करंट से कोल्ड करंट की तरफ या कोल्ड से वार्म करंट की तरफ, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, राइट। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं कन्वेक्शनल
करंट्स, ठीक है। अब ये कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन रेडिएशन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कन्वेक्शन में हमने बोला था ना कि पानी है, गर्म हो रहा है, गर्म पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी गर्म पानी ठंडे की तरफ जाएगा, ठंडा पानी गर्म की तरफ जाएगा, हीट ट्रांसफर होगी, ओशियन वाटर की मूवमेंट होगी, राइट। कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी अफेक्ट करता है, कोई भी प्लेस जो सी के पास होगी वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट सा क्लाइमेट होगा वहां पे, ना तो ज्यादा ठंड होगी ना गर्मी होगी, ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा जो जगह सी के पास है। जैसे जैसे सी से दूर जाती है कोई प्लेस, दूर वाली प्लेस होती है सी से, वहां पे क्या है, थोड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट होएगा, ज्यादा ठंड होएगी या फिर ज्यादा गर्मी होएगी, तो वहां का जो क्लाइमेट होगा थोड़ा एक्सट्रीम होएगा, लेकिन जो प्लेस सी के पास है वहां का क्लाइमेट मॉडरेट होएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी अफेक्ट करता है किसी जगह के क्लाइमेट को। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स के अकॉर्डिंग भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेशन का हो जाता है, तो इसके हिसाब से भी क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो जगह होगी वहाँ पर गर्मी होगी, जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे जो क्लाइमेट है थोड़ा ठंडा होता जाएगा। तो तीनों के तीनों जो फैक्टर्स है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। ऑल्टीट्यूड अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो कोई भी प्लेस जो सी लेवल से हायर प्लेस पे होगी, हाइट पे होगी, तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो ठंडा होगा, द कूलर इज इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट, द लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमोसफेयर इज अ फंक्शन ऑफ वराइटी ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स, दे आर। अब इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स कौन से है, लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमोसफेयर क्या होती है, लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमोसफेयर इसको बोलते हैं, वेदर को बोलते हैं, ठीक है। अब वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स है, सोलर रेडिएशंस वेदर का ही एलिमेंट्स है। अब किसी जगह पे सोलर रेडिएशंस कितनी आ रही है, उस अकॉर्डिंग वहाँ का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होएगा। सॉरी, यहाँ पे वेदर नहीं आएगा, क्लाइमेट आएगा, लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमोसफियर क्लाइमेट होगा। आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। तो क्लाइमेट क्या है, वहाँ का क्लाइमेट अफेक्ट होएगा, जहाँ पे सोलर रेडिएशंस ज़्यादा होगी वहाँ पे गर्मी होगी, जहाँ पे कम पड़ेगी वहाँ पे ठंड होगी, तो वहाँ का क्लाइमेट भी अफेक्ट होगा। सेकेंड क्या है, प्रेशर सिस्टम, प्रेशर सिस्टम भी वही बात होगी कि अगर कहीं पे हवा गर्म है तो वहाँ का प्रेशर कम होएगा, हवा ठंडी है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लाइमेट जो है वो भी अफेक्ट होगा ही होगा। टोपोग्राफी, अब कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन एरिया है, तो टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है किसी जगह के क्लाइमेट को। तो ऑल द अबव आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट असर्शन, द एलिवेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन एयर पार्टिकल्स इंक्रीज। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे जो एयर है ना वो थिन होती जाती है, एयर थिन होएगी तो एयर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगी। अब देखो, अर्थ के सरफेस के पास अगर हम बात करें तो एयर थिक होती है, तो एयर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है बहुत कम स्पेस होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एयर क्या है, थिन होती जाती है, तो थिन होएगी तो ये पार्टिकल्स के, एयर के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी। स्पेस ज्यादा होगी तो उससे क्या है, हीट ट्रांसफर कम होगी। ग्राउंड के पास एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है, इसीलिए हीट ज्यादा ट्रांसफर होती है, लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हीट ट्रांसफर कम होती है, इसीलिए हाइट पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर कम होती है एयर थिन होने की वजह से, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, हायर द एलिवेशन कूलर द क्लाइमेट, हायर एलिवेशन होएगा तो क्लाइमेट ठंडा होएगा। रीजन क्या है, बता चुके हैं, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है, एयर थिन होती है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। अब यहाँ पे क्लाइमेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताना है, ठीक है। क्लाइमेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है
सोलर रेडिएशंस। वैसे सारे के सारे ही एलिमेंट जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, वो है सोलर रेडिएशंस। कि सोलर सन की रेडिएशंस किसी जगह पे कितनी रिसीव हो रही है, उसी अकॉर्डिंग उस जगह का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होएगा, राइट। नेक्स्ट, अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। अब देखो, अनइक्वल हीटिंग होएगी, अब किसी जगह पे जो है हवा गर्म है, गर्मी है, किसी जगह पे हवा ठंडी है, अब होगा क्या, ठीक है। अगर हवा गर्म होएगी तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे गर्म हॉट एयर होएगी, वहां पे प्रेशर कम होएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा जहां पे हवा गर्म होएगी, ठीक है। जहां पे हवा ठंडी होएगी वहां पे क्या होएगा, हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब ये जो मूवमेंट होती है विंड्स की, ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, क्योंकि होता क्या है, जहां पे लो प्रेशर होती है होता है वहां पे हवा गर्म होती है, गर्म होती है तो हवा ऊपर को उठेगी, ऊपर को उठेगी तो यहाँ पे क्या, एक वैक्यूम बन जाएगा, और इस वैक्यूम को भरने के लिए हाई प्रेशर से यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो अब ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंड्स। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर की मूवमेंट होगी, और यही एयर की जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं विंड्स। नेक्स्ट, सोलर रेडिएशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हीट्स द अर्थ सरफेस व्हिच इन टर्न डिटरमाइंस द टेंपरेचर ऑफ द एयर अबव। अब सन रेज जब अर्थ पे पड़ती है तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, अर्थ के सरफेस के साथ टकराएगी, अर्थ का सरफेस गर्म होएगा और उसके साथ ही उसके ऊपर यहाँ पे जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। तो ए वाली स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है, हीटिंग ऑफ द एयर डिटरमाइन इट्स स्टेबिलिटी विच अफेक्ट्स क्लाउड डेवलपमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो, हवा गर्म होएगी ऊपर को उठेगी, ऊपर उठेगी तो ऊपर जाकर क्लाउड बनाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होएगी तो प्रेसिपिटेशन होएगी, बारिश होएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एयर मासेस एज एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट सब्ज्यूम्स द करेक्टरिस्टिक्स। एयर मासेस के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, एयर मास क्या है, एयर मास में सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, क्योंकि जो हॉट एयर है, जो गर्म हवा है, हॉट एयर क्या होएगी, ऊपर को उठेगी और जो ठंडी हवा है वो नीचे रह जाएगी, ठीक है। अब हॉट एयर ऊपर को, जो हॉट एयर करंट होएगा, हॉट एयर मास होएगा, हॉट एयर मास ऊपर को जाएगा, ठीक है, और जो वहां पे जो वैक्यूम बनेगा उसको फिल करने के लिए क्या आ जाएगा, कोल्ड एयर मास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोल्ड एयर मास, ठीक है। ये हॉट एयर मास ऊपर को जाएगा, कोल्ड एयर मास नीचे आएगा। तो टेम्परेचर एक बेसिक एलिमेंट है क्लाइमेट का, एयर मासेस का। फिर सेकंड आ जाता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी एयर मास का एक एलिमेंट है, और स्टेबिलिटी इसके साथ आ ही जाएगी। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द स्टॉर्मी क्लाइमेट ऑफ मिड लैटिट्यूड इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइंग इन द बाउंड्री जोन ऑफ ग्रेटली कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस कॉल्ड। अब देखो, मिड लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, मिड लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो फेरल सेल बन रहा है, दूसरा बन रहा है पोलर सेल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर को जा रही है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे को आ रही है, यहाँ पे जो दोनों हवाएं मिलती है, तो वहां पे क्या है, जब दो एयर मास मिलते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक हॉट एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे दोनों एयर मास मिल रहे हैं, तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पोलर फ्रंट। यहाँ पे जो मिड लैटिट्यूड पे दो एयर मास आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर फ्रंट। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज इंपैक्टेड बाय एनुअल फ्लक्चुएशन ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यू टू द मॉनसून। अब होता क्या है, एशिया में क्या मॉनसून आती है, मॉनसून क्या है, बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड्स ही है, विंड्स है, मॉनसून क्या है। तो अब जो विंड डायरेक्शन जब चेंज होती है एकदम से, विंड डायरेक्शन में फ्लक्चुएशन आती है, मतलब कि मॉनसून में फ्लक्चुएशन आती है, तो उससे पूरा का पूरा एशिया का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मानसून, अगर मानसून अफेक्ट होएगा, मानसून में फ्लक्चुएशन आएगी, तो एशिया के क्लाइमेट में चेंजेस आएगी ही आएगी। रीजन क्या है, द प्रेशर डोमिनेंस ऑल्सो अफेक्ट द रिसीट ऑफ सोलर रेडिएशंस। अब देखो, सोलर रेडिएशंस
जो है वो भी प्रेशर को अफेक्ट करेगी ही करेगी। अगर सोलर रेडिएशन ज्यादा हो रही है, सोलर रेडिएशन ज्यादा किसी जगह पे पड़ रही है, तो वहां पे क्या है, गर्मी ज्यादा होगी, मतलब हवा गर्म होगी, गर्म होगी ऊपर को उठेगी, तो प्रेशर क्या होगा वहां पे, लो प्रेशर बन जाएगा। मतलब सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव हो रही है तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। ठीक है, तो आर वाली स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। Those climates bordering cold current tend to be dry as the cold ocean current helps stabilize the air and inhabits. अब यहाँ पे बात हो रही है कोल्ड करंट के बॉर्डरिंग एरियाज की। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड करंट है किसी जगह पे, ठीक है, कोल्ड करंट के बॉर्डरिंग एरियाज की साथ में, ठीक है, कोल्ड करंट के यहाँ पे नीचे क्या होगा, वार्म करंट होएगा, इक्वेटर से करंट्स की जैसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इक्वेटर से करंट आ रहा है, वार्म करंट है, ऊपर से कोल्ड करंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर कोल्ड करंट के बॉर्डरिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म करंट होएगा, यहाँ पे वार्म करंट होएगा, वहां पे क्या है, लो प्रेशर एरिया होएगा, लो प्रेशर एरिया होएगा, तो हवा क्या है ऊपर को उठेगी, ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन होएगी और अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन होएगी। ए बी दोनों ही आंसर है, ऑप्शन सी आ जाएगा बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट, द ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन्स टू द प्रिवेलिंग विंड्स। अब माउंटेन की ओरिएंटेशन से, ठीक है, यहाँ पे कोई माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से विंड्स आई, ठीक है, विंड्स यहाँ से कहीं ओशन से या सी से चलकर आ रही है, अब विंड्स आई, विंड्स आके माउंटेन से टकरा गई, तो यहाँ पे क्या होएगा, जब माउंटेन से टकराएगी तो यहाँ पे बारिश होएगी, पानी बरसाएगी, प्रेसिपिटेशन होगी। तो ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन्स टू द प्रिवेलिंग विंड्स, जब प्रिवेलिंग विंड्स के रास्ते में माउंटेन्स आ जाएगी तो क्या होएगा, प्रेसिपिटेशन होगी। नेक्स्ट, विंडवर्ड स्लोप्स दोज फेसिंग ऑन टू द विंड। अब देखो, एक होती है विंडवर्ड साइड, एक होती है लीवर्ड साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया ये माउंटेन है, अब इस साइड से विंड्स आ रही है, ठीक है, तो इस माउंटेन के साथ आकर टकराएगी, तो ये वाली जो साउथ साइड है माउंटेन की, इसको क्या बोलेंगे, विंडवर्ड साइड, ठीक है, और यही इसकी जो दूसरे वाली उल्टी वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड, ठीक है। अब विंडवर्ड साइड पे क्या होता है, जो हवाएं हैं, जो विंड्स है, वो आती है, आकर माउंटेन के साथ टकराती है और यहाँ पे बारिश कर देती है, प्रेसिपिटेशन होती है, पानी बरसाती है। और जैसे ही ये वाली विंड जो है, अभी देखो जब यहाँ पे आई विंड, तो उस टाइम पे अपने साथ मॉइस्चर लेकर आई विंड्स, ठीक है, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ये आई, माउंटेन के साथ टकराई, यहाँ पे पानी बरसा दिया। और जब ये विंड्स दूसरी साइड जाएगी माउंटेन की, तो उस टाइम पे ये जो विंड्स होगी ना, ड्राई विंड्स होगी, क्योंकि जो अपने साथ ये लेकर आई थी ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर लेकर आई थी, वो मॉइस्चर इन्होंने यहीं पे पानी बरसा दिया, बारिश कर दी। और जैसे ये विंड्स दूसरी साइड जाएगी माउंटेन की, तो उस साइड ये विंड्स जो होंगी ड्राई होगी और वहां पे कोई बारिश नहीं होगी। तो ये होती है लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड जो है, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होती, विंडवर्ड साइड पे प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो ए वाली स्टेटमेंट सही है, विंडवर्ड स्लोप्स दोज फेसिंग इनटू द विंड एक्सपीरियंस मोर प्रेसिपिटेशन ड्यू टू ओरोग्राफिक अपलिफ्ट ऑफ एयर, ठीक है, ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होती है, इसके साथ टकराई विंड्स बारिश करती। रीजन में क्या है, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स आर इन द रेन शेडो एरिया। अब ये जो लीवर्ड साइड है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती नहीं है, इसीलिए इसको रेन शेडो एरिया भी बोला जाता है। एंड रिसीव्स लेस प्रेसिपिटेशन, क्योंकि विंड्स ड्राई हो जाती है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The gas having the highest proportion in air. Oxygen कितनी है air में, approximately बात करें 21% है। Nitrogen कितनी है, 78%। Carbon dioxide कितनी है, 0.03%। Hydrogen traces में है, 0.00005% कुछ है hydrogen, ठीक है। तो highest proportion कौन सी gas का है, वो है nitrogen gas। Sky appears blue. अब हमें sky अर्थ से जब हम देखते हैं तो blue कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो blue कलर है ना, ये short wavelength होती है इसकी, ठीक है। Short wavelength होने की वजह से जो blue कलर है वो क्या है, scatter हो जाता है sky में। Scattered होने की वजह से जो sky है हमें blue कलर का दिखाई देता है। Short wavelength होने की वजह से atmosphere में scatter होता है, तो sky हमें blue कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव्स बाय द एटमॉस्फेयर।
लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो आंसर आ जाएगा आर्गन, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस।